एक तरफ गर्मी आम लोगों को सता रही है तो दूसरी तरफ नेताओं की बयानबाजी सियासी गर्मी और बढ़ा रही है। देश के दक्षिणी भाग केरल में भले ही मानसून की दस्तक हो गई हो, लेकिन पश्चिमी छोर पर बसे राजस्थान में सियासी मानसून आने में करीब 6 महीने का वक्त है। जी हां, बात दरअसल विधानसभा चुनाव के मौसम की हो रही है, तो अल्फाजों की चाशनी में बदलते मौसम में भीगने का इंतजार सभी कर रहे हैं, और वैसे भी रूखे सूखे अल्फाज कभी किसी को पसंद नहीं आते। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं, बात हो रही है नेताओं की कड़वी बातों की, जो एक दूसरे को चित करने के लिए लगातार जारी है। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर तंज कस दिया। गहलोत ने कहा कि पीयूष गोयल व्यापारियों से धमका के चंदा वसूल रहे हैं, व्यापारी के घर जाकर उसे उसका नाम लिस्ट में होने का लालच देकर चंदा मांगते हैं। अगर सामने वाला चंदा देने में नानुकुर करता है या कम देता है तो उसे मना कर देते हैं और धमकाते भी हैं। पीयूष गोयल जी का तरीका बताऊं आपको, पीयूष गोयल जी का तरीका ये है चंदा मांगने का, जाएंगे इंडस्ट्रीज के घर पे, उद्योगपति के घर पे, आपका नाम अप्रूव हो गया है, आपका नाम अप्रूव हो गया है, मतलब आप हरी से हम चंदा लेते नहीं है, आप लक्की हो, आपका नाम ऊपर से अप्रूव हो गया है, तो बैठो चाय पियो भाई, कितना चाहिए, क्या करना है, 25 दे दो, 25 क्या आप समझ सकते हो, 2500 है, 25,000 है, 25 लाख, मेरे पता नहीं क्या है। उसके बाद में वो कह साहब अभी धंधे से चल नहीं रहे, अभी तो हम तो 10-12 दे सकते हैं आपको, नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, हमें देने नहीं आपसे, धमकी। ये पीयूष गोयल जी है हमारे, तो आप सोच सकते हो इनके इनकी अप्रोच ये है, मतलब ये कुछ भी कह सकते हैं, इनके इनके ज़्यादा हम देते नहीं, गंभीरता से नहीं देते हैं। इधर पीयूष गोयल ने भी जवाब देने में देरी नहीं दिखाई, गहलोत के मंत्री से लेकर बेटे तक को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि उनके राजस्थान आने की वजह से गहलोत साहब इतने बौखलाए हुए हैं कि अनाप शनाप झूठे आरोप लगा रहे हैं। पीयूष गोयल ने गहलोत को पेपर लीक मामले पर भी खूब घेरा। कल वो मैंने देखा, देख के हंसी आई कि चलो गहलोत साहब आज इतने बौखला गए, इतने परेशान हो गए, इतने दिक्कत में आ गए मेरे एक छोटे से विजिट से, कि आज उनको इस प्रकार के अनाप शनाप झूठे इल्ज़ाम लगाने पड़े। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार व्यवस्थाओं से देश को आगे बढ़ा रही है, ये एक ऐसी पार्टी है जो पंजीकरण करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाने की कोशिश करती है, ये एक ऐसी पार्टी है जो जैम की ट्रिनिटी पहले देश में लागू करती है, हर गरीब को अधिकार देती है कि वो अकाउंट हो उसका, हर गरीब को पहचान पत्र देती है आधार से, हर एक के यहाँ पे मोबाइल फोन पहुँचाती है, जिससे आज देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लगभग 29-30 लाख करोड़ रुपए करोड़ों परिवारों में सीधा उनके खाते में गए। हमने तो कोई ऐसा पंजीकरण नहीं कराया, हमने तो महीनों महीनों तक झूठे वादे नहीं दिए, जो बोलते हैं वो करते हैं, और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है, भ्रष्टाचार गहलोत जी के काम में होता है, भ्रष्टाचार गहलोत जी जिस प्रकार से लोगों को सोचते हैं कि मैं गुमराह करूं, उनको बेवकूफ बनाऊं, वो भ्रष्टाचार होता है। गहलोत जी के बच्चे जिस प्रकार का काम करते हैं, उन्होंने पहले अपने घर को सुधारना चाहिए, गहलोत जी के जो मंत्री और विधायक आज जो त्रस्त कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में तंग कर रहे हैं, पहले गहलोत जी आप उनको ठीक करिए। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से लोगों के बीच में जाती है, लोगों का प्यार और समर्थन उनको उनके काम के बलबूते पे, इसी कारण लेकिन वो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उसी रजिस्ट्रेशन के कारण वो कह रहे हैं कि सरकार रिपीट। सौरभ सौरभ एक बार वो कह रहे हैं कि लगातार जिस भी सभा में जा रहे हैं कि साहब आप ने हमें आपको इतनी छूट दी है और अगर आप इस छूट नहीं दोगे तो बीजेपी आते ही बंद कर देगी, सीधे सीधे लोगों को धमका रहे हैं। पर छूट क्या दी, 16 बार तो बिजली के दाम बढ़ाए, पेट्रोल में मैंने अभी अभी बताया पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार बार बार कम कर रही थी दाम, आपने एक रुपया भी वैट कम नहीं किया, क्यों आज सबसे महंगा है पेट्रोल डीजल और इतने वर्षों से, तो इतने वर्षों पहले आपको चिंता क्यों नहीं हुई कि मुफ्त में बिजली दी जाए, आप 4.5 साल से है ना, आप घोषणा पत्र आप देखिए जरा कांग्रेस का 2018 का घोषणा पत्र में पूरे ढोकले ढकोसले पूरे झूठे वादे हैं,
तो ये भारत की जनता और खासतौर पर राजस्थान के लोग तो माहिर हैं, राजस्थान के लोग तो विश्व में प्रसिद्ध हैं, बड़े समझदार होते हैं। वो ऐसे आखिरी में दिए हुए दया खाता के हिसाब से जो वो बता रहे हैं कि मैं बस पंजीकरण करूंगा, एक दो सिलेंडर का पैसा कुछ लोगों तक पहुंचाऊंगा और जीत जाऊंगा, ये राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाने का काम ना करें। गहलोत जी, गहलोत जी ईमानदार सरकार दे राजस्थान की, बचे कुछ जो महीने कम से कम उसमें कुछ ढंग का काम करें, सशक्त बनाए यहाँ के लोगों को, बजाय के झूठे आश्वासन और पंजीकरण में समय खराब। गहलोत जी बड़ा आरोप और लगाते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग करती है अमित शाह मोदी सरकार लगातार, भाजपा के नेता लगातार, और अभी जो विधायक सम्मेलन होगा, बेबुनियाद आरोप लगाने को तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकते हैं, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई उनके पास, और आरोप देखिए किस पे लगा रहे हैं, अपने खुद के विधायकों पे लगा रहे हैं, अपने खुद के विधायकों को हॉर्सेस बोल रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो सभी विधायक दल लेके उनके घर पे धरना बोल रहा होता उनके विधायकों के साथ के आप हमें क्या हॉर्सेस समझते हो, और फिर जाके वो उन्हीं हॉर्सेस को मंत्री भी बनाते हैं। यानी राजस्थान की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात कि आप एक तरफ अपने विधायकों को, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, आप पहले उनको हॉर्सेस बोलते हो, आरोप लगाते हो कि भ्रष्ट है, खुद आरोप लगाते हो कि एक एक ने पैसा खा लिया, और फिर उनको ही मंत्री बनाते हो कि आपकी सरकार में आके भ्रष्टाचार करें। तो मुझे लगता है ये सेल्फ गोल कर रहे हैं गहलोत जी। शायद राहुल गांधी जी के बाद अब नया एक व्यक्ति उभर रहा है भारत की राजनीति में, जो खुद ही अपने मुंह से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने में माहिर है। इतना ही नहीं, पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि मुफ्त की चीजें देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती हैं। उनका इशारा राजस्थान सरकार की मुफ्त बिजली योजना की तरफ था। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जानते हैं कि उनकी सरकार आने वाली नहीं है, राज्य में कांग्रेस पार्टी अंदरूनी झगड़ों में पड़ी है। अशोक गहलोत चुनाव से पहले लुभावनी घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। तो नेताओं के बीच बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, नेता एक दूसरे की कलई खोलने में हमेशा लगे रहते हैं, और जब माहौल चुनावी हो तो ये तरीका वोटरों में हलचल पैदा करने के लिए सबसे कारगर साबित होता है। लेकिन सवाल यह है कि सूबे की जनता किसकी ओर देखेगी? मुफ्त बिजली, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, मुफ्त मोबाइल फोन और महंगाई राहत कैंप, या फिर राम मंदिर, तीन तलाक, धारा 370, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और लाडली योजना जैसी तमाम राष्ट्रीय योजनाएं और राष्ट्रीय मुद्दे याद रहेंगे? या राज्य सरकार में पेपर लीक मामला, राज्य के खिलाफ जांच न होने का मामला, पायलट की गहलोत से अदावत, भगवंत मान की वजह से हनुमान बेनीवाल और केजरीवाल के बीच में निकटता, और इस वजह से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट, अपने ही विधायकों और मंत्री से हो रही सरकार की आलोचना, और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ बनाया जा रहा माहौल। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के गहलोत परिवार पर उठाए जा रहे भ्रष्टाचार के सवाल, ये वो तमाम बातें हैं जो इस बार चुनाव में एक अलग माहौल पैदा कर रही हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस के सामने किसी पहाड़ सी चुनौती से कम नहीं है। फिर चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, राजस्थान में कांग्रेस के लिए राहत की बारिश लेकर आ पाएंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। लिहाजा देखना होगा कि सियासी मानसून में किसके घर राहतों की बारिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान चौक।